मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है आगरा में हमारा डे टू और आज हम आ गए हैं ताजमहल के सैर करने के लिए। तो अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और बस कुछ ही देर में ताजमहल का गेट ओपन हो जाएगा। बेस्ट टाइम होता है आगरा का ताजमहल को देखने का, मॉर्निंग में 5 बजे आ जाइए अगर आप भीड़ को अवॉइड करना चाहते हैं। तो बस अभी हम गेट की तरफ ही जा रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली मिलते हैं 5 बजे। भी हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ बहुत लंबी लाइन लगी हुई है और बहुत जल्दी पहुँचना होगा, मौसम भी थोड़ा बारिश वाला है। ये देखो 5 बजे भी कितनी लंबी लाइन लग गई है, तो इसलिए आप अर्ली मॉर्निंग में भी आना प्रेफर करें। हम लोग की एंट्री हो गई है ताजमहल के अंदर, अब हम लोग दौड़ के जा रहे हैं। काफ़ी लंबी लाइन है पीछे, आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी लाइन है और अभी बिल्कुल बारिश वाला मौसम भी है। तो दोस्तों फाइनली हमें ताजमहल के अंदर एंट्री मिल गई है, ठीक है। तो आपको पूछ रहा हूं, मैं आपको रोक कब रहा हूं। बस ये देखो मेरे पीछे का व्यू तो प्यारा सा है। तो बस हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ताज के दीदार में। अभी ठीक से मॉर्निंग भी नहीं हुआ है, अभी 5:20 हो रहे हैं सुबह के। तो कुछ देर दूर थोड़ी दूरी के ना एक पैदल चलना होता है, उसके बाद फिर ताज की एंट्री मिलती है। डायरेक्टली फ्रॉम आगरा का ताज। तो हियर यू कैन सी राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ताजमहल एंड फीलिंग वेरी वेरी ब्लेस्ड।
हेयर यू कैन सी द अर्ली मॉर्निंग व्यू ऑफ ताजमहल. वाओ इट्स अमेजिंग. दोस्तों कुछ तो बात होगी मुमताज बेगम की चाहत में, तभी तो शाहजहां ने उनकी यादों में ये ताजमहल बनाया. तो दोस्तों आज मैं आ गई हूँ दुनिया की उस सबसे खूबसूरत प्यार की उस तस्वीर के सामने, उस महल के सामने, ताजमहल के सामने, जिसे शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज बेगम की याद में बनवाए थे. बिल क्लिंटन जब अमेरिका के राष्ट्रपति जब वो यहाँ ताजमहल देखने आए थे तो उन्होंने एक वर्ड कहा था, उन्होंने एक सेंटेंस में कहा था कि दुनिया में सिर्फ तो दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जिन्होंने ताज देखा और एक वो जिन्होंने ताज नहीं देखा. तो ताज नहीं देखा तो क्या देखा. तो अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल मेरी आंखों के सामने ताजमहल को, और आप सबका स्वागत है. दोस्तों कैमरा जो है बिल्कुल भी जस्टिस नहीं कर पा रहा है. जो अभी मॉर्निंग की जो मतलब रोशनी पड़ रही है सूरज की किरणों की, और वो इतना खूबसूरत लग रहा है वाइट संगमरमर का बना हुआ ये ताजमहल. मतलब जो हम डायरेक्ट आंखों से जो चीज़ हम फील कर रहे हैं वो कैमरा में मुझे नहीं दिख रहा है. तो ये एक मस्ट मस्ट विजिट प्लेस है जब आप इस तरफ आते हो. तो अभी जो आप देख रहे हैं ये ताजमहल का पीछे का पार्ट है. बादशाह शाहजहां जो थे वो यमुना नदी पार करके फिर आते थे, बोट से आते थे. तो अभी आप जो देख रहे हैं ये ताजमहल का पीछे का पार्ट है. तो मेन अभी आगे का पार्ट जो है वो उस तरफ. इतिहासकारों का कहना है टॉप में ताजमहल के गुंबज के ऊपर आप एक देख सकते हैं कांसे का कलश है, वो पहले सोने का हुआ करता था. तो इतिहासकारों का ऐसा कहना है कि बाद में 19वीं सदी में उसे बदल करके कांस का कर दिया गया, जबकि वो सोने का गुंबज हुआ करता था. एक खासियत और है इस मॉन्यूमेंट की, ताजमहल के चारों तरफ चार पिलर हैं, चार मीनार हैं, और उसकी खासियत वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है. थोड़ा सा वो टिल्ट फॉर्म में है, वो देख के ऐसा लगता है कि बिल्कुल सीधी है, लेकिन उसे इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि कल को कोई कोई भी नेचुरल डिजास्टर आए तो वो मॉन्यूमेंट को, मकबरा को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा, वो साइड की तरफ गिरेगा. तो कोई भी नेचुरल डिजास्टर आने से इस मॉन्यूमेंट को कभी भी कोई नुकसान नहीं होगा. सकते हैं ताजमहल की जो ये है हाइट है वो कुतुब मीनार से भी ज़्यादा है. कुतुब मीनार की हाइट 72.5 मीटर है, लेकिन ताजमहल की जो ऊंचाई ये है हाइट है वो 73 मीटर है. दोस्तों होंगी दुनिया में एक से एक इमारतें, पर ताज जैसी कोई भी नहीं. ताजमहल को 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया और 2007 में न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया गया. ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ था और 1653 में कंप्लीट हुआ. इसे बनाने में पूरे 22 वर्ष लग गए. ऐसा मानना है कि इसे बनने में 3.2 करोड़ रुपए का खर्च आया था, जो कि आज के डेट में अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यह 57 अरब 60 करोड़ रुपए के लगभग आएगा. ताजमहल के निर्माण के समय बादशाह ने इसके शिखर पर सोने का कलश लगवाया था. यह कलश करीब 40,000 तोले सोने का बनवाया गया था, जिसे ब्रिटिश काल में निकाल लिया गया था. ताजमहल जो है 42 एकड़ की ज़मीन पर बनाया गया और इसे बनाने में करीब 20,000 से ज़्यादा अधिक मजदूर लगाए गए. यह भारतीय ही नहीं बल्कि तुर्क, पारसी और इस्लामी वास्तुकला का प्रतीक है. इसके निर्माण में 28 प्रकार के पत्थरों का प्रयोग किया गया है, जिसे बगदाद, अफगानिस्तान, मिस्र, रूस और ईरान आदि देशों से मंगाया गया. सफ़ेद संगमरमर को राजस्थान के मकराना से मंगाया गया. इन पत्थरों का ही कमाल है कि ताजमहल सुबह में गुलाबी, दिन में सफ़ेद और पूर्णिमा की रात में सुनहरा दिखता है. आपको कैसा लगा? मुझे बस ताज देख के ऐसा लगा कि बस
जो ताज को नहीं देखा है वो बहुत बड़ी मतलब भूल कर रहा है। एक बार यहाँ आए और ताज को ज़रूर विजिट करें और यहाँ पे इसकी जो वास्तु जो बनाने की शैली है वो देख के आप अचंभित रह जाएंगे कि दुनिया के 7 अजूबों में से पहले नंबर पे ये क्यों है, ये यहाँ पे आके हमें पता चला। दोस्तों फाइनली हमारा ताज का सफ़र, ताज से मिलने का, ताज को के दीदार करने का सफ़र यहीं पे समाप्त होता है। आए थे हम 5:15 बजे, अभी 8:30 के करीब हो गए, लेकिन दोस्तों हमारा ये जो सफ़र था ताज से मिलने का, उनके दीदार करने का, ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही यादगार है। और एक बात मैं और कहूँगी, अगर आपने ताज नहीं देखा तो क्या देखा, तो आप ज़रूर विज़िट कीजिए ताज को। आगरा आते हैं ज़रूर विज़िट कीजिए, एक बहुत ही खूबसूरत मोमेंट है। तो बस हम यहीं पे हमारे वीडियो को समाप्त करते हैं, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लास्ट में मैं बोलूँगी वाह ताज, अरे हुजूर वाह ताज बोलिए।